करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर असलाहा धारकों को अपने हथियार पुलिस के पास जमा करने की अपील की है। एसपी सुरेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 90% लोगों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं और बाकी भी जमा हो जाएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही करनाल पुलिस के अलावा 5 बटालियन पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है। वहीं करनाल में 14 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, उन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे ही जो लाइसेंस वेपन्स हैं उसको डिपॉजिट करने की बात है, करीब 90% वेपन हमारे जो है डिपॉजिट हो गए हैं, बाकी जो 10% बचे हैं वो भी मेरी अपील है कि जल्द से जल्द या तो आप उसे थाने में जमा करवा दें या किसी आम डीलर के पास जमा करा के उसकी रसीद हमें दे दें ताकि हम उसमें एंट्री कर लें। और अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए, कोई विटनेस है किसी केस में या किसी को अपनी सुरक्षा जो स्पेसिफिक कोई थ्रेट है उसके लिए आवश्यकता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन दे दे, कमेटी बनी हुई है जिसमें डी साहब, मैं, हम दोनों हैं, उसको हम एग्जामिन करके उस